प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, बदले में वो व्यक्ति आपके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, ना वो आपकी इज्जत करता है, ना वो आपको प्यार करता है। इट मीन्स कि वो आपके साथ टाइम पास करता है, जब उसके पास टाइम होता है, जब उसका मन होता है तब वो आपसे बात कर लेता है, ना आपकी वो फीलिंग को समझता है। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि जिस तरह से आप उसे प्यार कर रहे हो, जिस तरह से आप उसे वैल्यू कर रहे हो, जिस तरह से आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति भी आपको इसी तरह से ट्रीट करे, तो ये हो सकता है। मैं आपको इस बात का, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ और किस तरह से आप उसे सोल्व कर सकते हो। अगर किसी भी बीमारी को आपको मिटाना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्यों और ये बीमारी हुई क्यों। अगर आप ये दो बातों को क्लियरली समझ लेते हो तब आपके लिए उस बीमारी का इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपको वैल्यूबल नहीं मानता, उस लायक वो आपको समझता ही नहीं कि वो आपको टाइम दे, आपकी इज्जत करे, आपको प्यार करे। उसके मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं समझा कि आप एक वैल्यूबल पर्सन हो, आप उनके साथ रिलेशन में रह सकते हो, आप प्यार करने के लायक हो। उस तरह से उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सोचा ऐसे है कि आप टाइम पास करने के लिए। इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला ये कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा भाव दिया, दूसरी बात ये कि बहुत ही आसानी से आप उनके लिए अवेलेबल होते हो, बहुत आसानी से आपके साथ उनका रिलेशन बन गया। यहाँ पे जब बड़ी आसानी से इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो उनकी वैल्यू यही होती है, ये हमेशा याद रखो। जहाँ पे उसको बहुत मेहनत करके कुछ मिलता है ना, तो वो चीज़ें इंसानों के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, ये बात हमें समझनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्योर कोई प्रॉब्लम है तो आपके सामने आ गया होगा कि वो व्यक्ति आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता, इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता, आपको प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति आपको वैल्यूएबल नहीं समझता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों हम अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाए उस व्यक्ति के सामने, तो ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस है आपके साथ तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और जो ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, एक समय पर ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ उल्टा हो जाए, वो व्यक्ति आपको टूट कर प्यार करे और शायद तब आपको उसमें इंटरेस्ट भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार लोग सिर्फ एक महीने के लिए ट्राई करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा था। तो रिलेशन बिगड़ने में और रिलेशन सुधरने में टाइम लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ कि उसके बिना रहना सीखो। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग ये कर पाएंगे वो डेफिनेटली इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को बदल पाएंगे। मेरी बात आप लिख के रख लो। सबसे पहले उसके बिना रहना सीखो, हमेशा उसको कॉल करना, हमेशा उसके साथ जाना, डिमांड करना, ये सब कुछ छोड़ दो। ट्राई करो कि खुद अकेले कैसे रह सकते हो उसके बिना। दूसरी बात कि उसको भाव देना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी सारी हरकत है ना, उनको बहुत ज़्यादा भाव देना, बहुत प्यार दिखाना, इसके कारण ही उसके मन में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही है। उसके बिना रहना सीखो, उनको भाव देना बंद करो, अपने इमोशन शो करना बंद करो, उसको बिल्कुल भी अपना कोई प्यार मत दिखाओ। अब होगा क्या कि तुमने ये तीनों चीज़ें एक साथ करना शुरू कर दी, उनके बिना रहते हो, उनको भाव भी नहीं देते हो, उनको प्यार भी तुम नहीं दिखा रहे हो, तो तुम अकेले पड़ गए। तो वो तो अभी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, उसके मन में तो बैठा है ना कितने टाइम से आपने उन्हें शो किया था कि आप उसे कितना प्यार करते हो, तो वो ये समझ के आगे बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में एक्टिव होना है। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उसको मज़े से करो, कहीं भी आपको ये शो नहीं करना है कि आप उसे प्यार करते हो या आप उसके बिना नहीं रह सकते। अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगेगी, आप देखोगे कि उस व्यक्ति के सामने जो आपकी इमेज है वो धीरे धीरे बदल रही होती है, कि ये व्यक्ति अब मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करता, मुझे भाव नहीं देता, अब प्यार नहीं दिखाता, मेरे पीछे नहीं पड़ता और अपनी लाइफ में एक्टिव हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को वैल्यू देते हो, उस व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने काम को, अपनी लाइफ को वैल्यू देता है दूसरे लोगों के लिए, वो व्यक्ति वैल्यूएबल हो जाता है। इसमें टाइम लगता है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ,
लेकिन आप ये कंटिन्यूसली करते हो तो वो व्यक्ति जो पहले आपको इग्नोर करता है वो धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसकी नज़रों में आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे कमेंट करिए, बताइए मुझे। आप इसको लाइक भी कर सकते हो ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को पसंद आया है। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपका कोई रिलेशन है तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, तो वहाँ आपको जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।